जब से नई दिल्ली में G20 खत्म हुआ है तब से भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। इसका कारण खालिस्तान है। कनाडा के लगाए आरोपों का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की ओर से आरोप है कि कनाडा उन तत्वों को सपोर्ट कर रहा है जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यही वो वजह है कि भारत ने कनाडा के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA पर बातचीत बंद कर दी है। बता दें, दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कारोबार $8 बिलियन यानी कि 67,000 करोड़ रुपए का था। भारत की ओर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबरी हैं, जबकि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की जून तिमाही में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर इसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिवाइड करें तो भारत ने कनाडा को $4.11 बिलियन यानी कि 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया। भारत लगभग हर साल 230 लाख टन दलहन की खपत करता है। इस लिहाज से ये कनाडा के लिए बड़ा बाजार है, लेकिन अब तनाव के बीच उसके निर्यात के लिए भी राह आसान नहीं है। क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं दोनों देश? दोनों देशों के बीच में रसायन, कपड़ा, कीमती पत्थर, वाहन उपकरण, सब्जी, कागज, खनिज जैसे कई चीजों का आयात और निर्यात होता है। भारत कनाडा से कोयला, पोटेशियम क्लोराइड, अखबारी कागज, मसूर दाल और लकड़ी के गूदा का सबसे ज्यादा आयात करता है। कनाडा भारत को कोयले का 5वां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत कनाडा से सबसे ज्यादा मात्रा में पोटेशियम क्लोराइड खरीदता है। 2022 और 23 के दौरान भारत ने कनाडा से 2.5 लाख टन अखबारी कागज आयात किया है। हालांकि दलहन को लेकर कनाडा के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। जानकारों की माने तो भारत इन सामानों को दूसरे मित्र राष्ट्रों को भी इंपोर्ट कर सकता है। इन सब सामान के लिए भारत को कनाडा की खास जरूरत नहीं है। भारत और कनाडा के बीच कैसे हैं रिश्ते, हम इस पर नजर डालते हैं। कनाडा और भारत के रिश्ते पुराने हैं। कनाडा उन देशों में से एक है जहां पर काफी भारतीय रहते हैं। कनाडा की कुल आबादी में लगभग 3% हिस्सा भारतीयों का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा में भारतीय मूल के तकरीबन 16 लाख लोग हैं, जिनमें 7 लाख के आसपास NRI हैं। वहीं कनाडा की साल 2021 की जनगणना पर नजर डालें तो वहां पर 7,70,000 के आसपास सिख हैं। साल 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में 3 सिखों को जगह मिली थी। कनाडा वर्सेस भारत की इकोनॉमी पर भी एक नजर डालते हैं। कनाडा और भारत दोनों की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 10 में शामिल है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग 2023 के लिस्ट के मुताबिक कनाडा $2.2 ट्रिलियन के साथ विश्व की 9वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कनाडा की इकोनॉमी फिशिंग, प्राकृतिक संसाधन के दोहन और निर्यात पर टिकी है, जबकि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग 2023 के मुताबिक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत $3.469 ट्रिलियन के साथ 5वें पायदान पर है और तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। मौजूदा समय में दुनिया की हर बड़ी कंपनी और देश भारत में निवेश करने को आतुर है। ताइवान जैसा देश इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसकी फॉक्सकॉन कंपनी भारत में कई प्लांट लगा रही है। साथ ही ताइवानी सरकार का भी फुल सपोर्ट है। इसका कारण है भारत का बाजार, जिसकी ग्रोथ में किसी को भी कोई शक नहीं है। साथ मजबूत होती भारत की इकोनॉमी, इस बात से कनाडा भी अछूता नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कनाडाई पेंशन फंड ने भारत में 1.74 लाख करोड़ का निवेश किया है। कंपनी में ये निवेश लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर किया है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच में प्रतिबंधों का ऐलान होता है तो कनाडा की मुश्किलें बढ़ेंगी। कनाडा पेंशन फंड ने कोटक महिंद्रा में 9,600 करोड़, जोमैटो में 2,078 करोड़, पेटीएम में 1.76 करोड़, नायका में 625 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 600 से ज्यादा कनाडाई कंपनियों की भारत में उपस्थिति दर्ज है। 1,000 से अधिक कंपनियां सक्रिय रूप से भारतीय बाजार में कारोबार कर रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक TCS, इंफोसिस, विप्रो जैसी कई बड़ी कंपनियों ने भी कनाडा में अरबों डॉलर का निवेश किया है। ये कंपनियां कनाडा की इकोनॉमी पर गहरा असर डालती हैं। ऐसे में अगर पॉलिटिकल रिलेशंस का असर व्यापार पर पड़ा तो कनाडा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं कनाडा में पढ़ने वाले विदेशी स्टूडेंट्स में 40% इंडियन हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर दोनों देशों के बीच खटास बढ़ती है तो कनाडा की इकोनॉमी 9वें से 10वें पायदान पर जा सकती है। बता दें कि कनाडा भी एक नाटो सदस्य देश है, लेकिन निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा को अपने दोस्त देशों के बहुत ज्यादा मुखर समर्थन नहीं मिला है। इसको लेकर कनाडा के मित्र देशों ने चिंता जाहिर की है, लेकिन भारत पर किसी तरह का दबाव डालने से इनकार किया है। फाइव आईज कहे जाने वाले कनाडा के सहयोगियों यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने पूरी जांच का आग्रह किया है, लेकिन खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर भारत की निंदा करने से परहेज किया है। अब कनाडा को भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार ऋषभ कांत ने। स्टोरी पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।